नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2022 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और इसके पहले देखिए, जितने भी आपके मंथ हो चुके हैं तो उन सबका जो है हमने अलग से वीडियो बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, करेंट अफेयर का। तो आप लोग जो है प्रीवियस 1 ईयर तक का भी जो है आप लोग मंथ वाइज करेंट अफेयर देख सकते हो, और आगे भी हम आपको इसी तरीके से जो है मंथ वाइज आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। और देखिए दोस्तों, जो करेंट अफेयर का PDF है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो है वो सारा कुछ हमने उसमें अपडेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है यहाँ पर आपका, कि अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण जो है, तो ये जो है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये जो है आपका मोबाइल एप्लीकेशन से ये होगा। और देखिए, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, जैसे कि ये मोबाइल ऐप 24 अप्रैल से शुरू होने वाले जो कार्यक्रम थे आपके, तो ये सारा जानकारी जो है वन स्टॉप शॉप पर ये आपको मिलेगा, यानी कि ऐप पे ही ये सारा जानकारी जो है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, हाल ही में जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर जो है एक नई पुस्तक का जैसे विमोचन किया गया था, जिसका नाम है द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए, ये जो है भारत के जो पहले जो कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो उनका किस तरीके से जैसे देखिए चुनौतीपूर्ण बचपन रहा था, और साथ में जो आजकल के युवा हैं बचपन से लेके बड़े होने तक वर्षों के जो वो होते हैं, तो उनका किस तरीके से उनका संघर्ष होता है, ये सारा कुछ के बारे में जो है मेंशन इसमें किया गया हुआ है। और ये जो है आपका लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। तो ये तो आपके जैसे ऑथर का पूछा गया था, यहाँ पे पुस्तक के लेखक कौन है, लेकिन ये जो है जो B.R. अम्बेडकर जी है, तो उनके बचपन से लेके जो बाकी वर्ष जो उन्होंने व्यतीत किया था अपना, तो उन सब के बारे में जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि भारत किस वर्ष स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो देखिए, भारत जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप ये जो है 2023 में आयोजन इसका करेगा। और देखिए, इसके पहले जो है 2019 में यह चैंपियनशिप जो है लंदन में आयोजित की गई थी, जहां पे देखिए 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और टीम इंडिया देखिए जो है इसने टीम इंडिया जो साउथ है इसने जो है मेजबान इंग्लैंड जो है तो उसको हरा कर कप पर जो है कब्जा किया था। तो अब देखिए, ये जो है आयोजन नेक्स्ट जो होगा इसका संस्करण, तो वो भारत में होगा, और वो कब होगा, तो 2023 में होगा। तो ये आप लोग याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो UPSC है, तो इसके जो अध्यक्ष है अभी चेंज किया गया है, तो इससे जो है किसके रूप में नियुक्त किया गया हुआ है। तो देखिए, हाल ही में जो है डॉक्टर मनोज सोनी को जो है UPSC यानी कि जो लोक संघ आयोग संघ है आपका, तो इसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया हुआ है। और यह जो है वर्तमान में जैसे कि UPSC के सदस्य भी ये थे, और इन्होंने देखिए 2005 में जो है MS विश्वविद्यालय के देश के सबसे कम उम्र में के जैसे कुलपति जो होते हैं, तो उसके रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था। तो अभी देखिए, इनको UPSC का अध्यक्ष बनाया गया हुआ है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट किस दिन का विषय है और इसे कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो थीम है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे किस दिन का ये विषय है जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, तो ये जो है विश्व पृथ्वी दिवस का जो इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था, ये उसका थीम है ये। और ये जो है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया, मतलब 22 अप्रैल को हम लोग जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग। और ये देखिए, ये जो दिन है आपका, जैसे कि जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है, और इसके साथ में जो वनों की कटाई जो हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग, और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है हम लोग 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। और इस दिन एक थीम भी रखा जाता है, मतलब कि उसका एक दिन का एक विषय भी होता है जो कि सिग्निफाई करता है कुछ अपने इम्पोर्टेंस के लिए। तो इस बार का जो थीम है आपका, तो वह है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। तो ये जो है आप लोग याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो आपका हो गया कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, ये तो आपका 22 अप्रैल हो गया।
दूसरा बनता है इसमें कि इस दिन का थीम क्या था, मतलब जो इस बार का 2022 का जो थीम रखा गया था तो वो क्या है, तो वो है आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जो देखिए अंतर जो है प्रदूषण बढ़ रही है या फिर जो वनों की कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सभी मुद्दों को बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो देखिए मैक्स वर्स्टैपन का जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जो है इससे नवाजा गया है इनको। और देखिए इन्होंने 2021 सीजन में जो है अपनी पहली फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप का दावा इन्होंने किया था और इसमें जो है इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराया था। तो इसी के लिए जो है इनको सम्मान देने के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इनको दिया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि एल्मेनेक के 2022 संस्करण में विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में से जो है किस भारतीय गेंदबाज को भी नामित किया गया है, तो देखिए एल्मेनेक के जो 2022 संस्करण में जो विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स में से जैसे देखिए 5 खिलाड़ियों को जो है इसमें नामित किया जाता है, तो इसमें से देखिए जो भारतीय गेंदबाज है तो वो है जसप्रीत बुमराह, तो इनको लिया गया। इसके साथ में देखिए भारत के जो जैसे कप्तान है रोहित शर्मा, इनको भी जो है इसमें लिस्ट किया गया, लेकिन वो बल्लेबाज श्रेणी में आते हैं ये। लेकिन यहाँ पे आपसे जैसे गेंदबाज के बारे में पूछा था भारतीय गेंदबाज, तो वह है जसप्रीत बुमराह, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। और इसके साथ में देखिए जो सूची है इसमें, तो इसमें जो है न्यूजीलैंड के जो डेविड कनवा है उनको भी रखा गया है। इसके साथ में देखिए इंग्लैंड के जो रूट है तो वो जो है दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर के नामित उनको किया गया हुआ है। और इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम की जो बल्लेबाज है लीलेज ली, तो उनको देखिए अग्रणी महिला क्रिकेटर के खिताब से नवाजा गया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने अप्रैल 2022 में सबसे अधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो देखिए भारत ने जो है एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और देखिए ये जो है अप्रैल 2022 में किया गया था गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में जो है जगदीशपुर के जो दुलेर जो ग्राउंड है आपका, तो उसमें देखिए आयोजित किया गया था। और ये जो है वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में लगभग जो है यहाँ पर 78,220 तिरंगे फहराए गए थे। तो यह कार्यक्रम देखिए जगदीशपुर के जो तत्कालीन जो राजा थे वीर कुंवर सिंह, तो उनकी जीत पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये आयोजित किया गया था। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई भी अगर रिकॉर्ड बनता है तो उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2022 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक जो एडवाइजर है के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए हाल ही में जो है AK सूद को जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया हुआ है। और वो देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि जो IISc बेंगलुरु है तो उसमें जो है देखिए भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर भी है ये। नेक्स्ट देखिए नीति आयोग जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसका देखिए जो उपाध्यक्ष थे 22 अप्रैल 2022 को जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम क्या है, तो देखिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे तो उन्होंने लगभग 5 वर्ष के बाद जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनका नाम देखिए राजीव कुमार है। तो देखिए ये जो पद है तो 5 साल के लिए ही रहता है, कार्यकाल रहता है उपाध्यक्ष का जो पद है, तो इनके स्थान पे जो है सुमन बेरी को बनाया गया जो कि तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में ये जगह लेंगे। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलो यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसकी मेजबानी करेगा, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज है तो ये जो है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ये करेगा। और देखिए जो 2026 के जो खेल होंगे तो ये जो है 4 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आपका पहला है जिलोंग है, उसके अलावा बैरलेट है, बोडिंगो है और गिप्सलैंड है। तो इन 4 केंद्र 4 क्षेत्रीय जो केंद्र है यहाँ पे इसके आयोजन किए जाएंगे। और देखिए जो राज्य है मतलब ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया जो है इसने अब तक 16 खेलों की पुष्टि की है, मतलब कि यहाँ पे जो जो 16 जो इवेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट जो होते हैं तो वो खेले जाएंगे। तो इसमें से देखिए इन्होंने जो है एक्वेटिक्स साइकिलिंग और साथ में जो है T20 क्रिकेट को भी इन्होंने शामिल इसमें किया हुआ है, तो ये भी जो है इसमें काफी रोचक रहेगा। साथ में जो है T20 क्रिकेट है आपका, तो ये काफी रोमांचक रहने वाला है इसमें। और 2022 जो राष्ट्रमंडल खेल है तो ये देखिए 28 जुलाई से 8 अगस्त
2022 तक ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए होंगे। नेक्स्ट देखिए कि पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये देखिए यह पुरस्कार जो है अनुभवी जो गायिका थी तो उनकी याद में जो है यह स्थापित किया गया हुआ है। और पुरस्कार के समारोह देखिए जैसे मुंबई में आयोजित इसका किया गया था। और ये जो है हर वर्ष प्रतिवर्ष मतलब उस व्यक्ति को ये दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके जो लोग हैं मतलब राष्ट्र के जो लोग हैं तो उनके लिए जो है उन्होंने महत्वपूर्ण और शानदार और अनुकरणीय जो योगदान जो भी देंगे तो उनको ये दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 2022 में नीति आयोग का नया जो उपाध्यक्ष है तो इसे किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनका कार्यकाल जो लगभग पूरा हो चुका था। तो उसके जगह पे जो है सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना है, इसको से पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने स्थल सेना अध्यक्ष है। यहाँ पे देखना आप लोग आर्मी स्टाफ का वाइस चीफ यहाँ पे पूछा गया ना कि जो चीफ होते हैं उनका, तो इसके रूप में जो है पदभार किसने ग्रहण किया है। तो देखिए हाल ही में जो है थल सेना अध्यक्ष के रूप में जो है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को जो है नियुक्त किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड लिस्ट 2021 के अनुसार जो है सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है। तो देखिए हाल ही में जो लिस्ट जारी किया गया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो कि इसके अनुसार इन्होंने जो है यह लिस्ट जारी किया था कि जो सबसे जो व्यस्ततम यानी कि जो सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट रहता है आपका, तो उसमें देखिए अमेरिका का जो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है तो ये जो है सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा जो है। और ये देखिए लगभग जो है 7,57,000 पैसेंजर जो है ट्रैफिक ये लगभग ये कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2022 में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसका देखिए आयोजन जो है असम में किया गया था तो ये जो है इवेंट 56 इवेंट था यानी कि 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था तो ये जो है नीलमणि फुकन को दिया गया हुआ है। तो ये देखिए ये जो है प्रख्यात असम के ये कवि हैं नीलमणि फुकन। तो ये जो है आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी भी आपका रहता है क्वेश्चन आपका पुरस्कार से रिलेटेड तो उसमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। तो देखिए लेखक गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है टॉम ऑफ द सैंड तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा की कृति बन गई है। और देखिए जो डीजी रॉकवेल द्वारा जो अंग्रेजी में ये अनुवादित किया गया है पुस्तक आपका तो ये दुनिया भर के 5 जो अन्य शीर्षक होते हैं तो उसके साथ ये जो है कंपटीशन ये करेगा। और देखिए ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है तो इसमें जो है 50,000 पाउंड का जो है पुरस्कार दिया जाता है और जो लेखक और जो अनुवादक जो होते हैं तो उसके बीच में समान रूप से विभाजित ये किया जाता है। तो भले देखिए उपन्यास हिंदी में लिखे लिए ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है तो इंग्लिश में ही जो होते हैं तो उसी के लिए दिया था, लेकिन ये देखिए हिंदी का ही ये उपन्यास था जिसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो ये अगर मिलता है मतलब इसको अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर मिलता है इस पुस्तक जो ये आपका ये उपन्यास है तो इसमें जो ट्रांसलेट किया है जिन्होंने इंग्लिश में और साथ में जो हिंदी के जो इसके लेखक है तो दोनों में जो है इसका विभाजन किया जाएगा जो राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है तो ये हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है और जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट मनाया गया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका एक थीम भी रखा जाता है। तो इस बार देखिए 2022 का जो थीम है तो वह है आवर प्लानट आवर हेल्थ। तो ये जो है थीम आपका इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो ये WHO के द्वारा ये मनाया जाता है तो इन्होंने देखिए जो है इसकी शुरुआत 1950 में इसकी की थी विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद यानी कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है तो उससे जो है निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो है रशिया को
विश्व निकाय की जो प्रमुख जो मानवाधिकार परिषद है यानी कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है तो उससे जो है इन्होंने निलंबित कर दिया है। तो इसका देखिए मंजूरी इन्होंने दे दी थी इसकी, और इसमें देखिए वोटिंग भी किया गया था। तो ये देखिए जो वोटिंग है मतलब ये जो प्रस्ताव है जिसे निलंबित करने के लिए अमेरिका द्वारा लाया गया था, तो इसमें देखिए जो पक्ष है इसमें मतलब कि जो रशिया को इस इससे जो है हटाने के लिए निलंबित करने के लिए जो है 93 वोट मिले थे, जबकि देखिए 24 देशों ने जो है वोट ही इसमें नहीं किया था। और इसके साथ में जो है भारत सहित जो 58 देश है तो इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया था। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखना। और देखिए जो जो मानवाधिकार परिषद है तो ये जो है दुनिया भर में जो मानवाधिकार है जो लोगों के जो मानवाधिकार है उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनकी बढ़ावा देने के लिए और साथ में जो उनकी रक्षा करने के लिए जो है ये बनाया गया था। लेकिन देखिए रशिया जिस तरीके से जो है आक्रामक तरीके से यूक्रेन पर भी आक्रमण कर रहा था तो उससे जो है ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा था, तो इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो है इस तरह का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है। तो देखिए हाल ही में जो है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अप्रैल 2022 में बिरसा मुंडा जनजाति नायक तो इस पुस्तक का जो इन्होंने विमोचन किया था। तो इसे देखिए प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जो कि ये कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है तो ये बिलासपुर के जो है ये तो इन्होंने ये पुस्तक को लिखा हुआ है। तो ये भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। और इस पुस्तक में जो है बिरसा मुंडा का जो संघर्ष था और जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो वनवासियों का जो योगदान था तो उस सभी को चीज़ों के बारे में जो है इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 2022 में नए विदेश सचिव यानी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए नेपाल में जो भारत के जो राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा तो इनको देखिए जो है नए विदेश सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, और ये जो है हर्षवर्धन श्रृंगला की ये जगह लेंगे। और देखिए जो विनय मोहन जो क्वात्रा है तो ये 1988 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा यानी कि जो IFS है तो उसके अधिकारी भी हैं ये। नेक्स्ट देखिए कि किसको उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए जो है प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए प्रख्यात कवि और जो साहित्यकार प्रोफेसर जो रामदर्श मिश्र है तो इनको देखिए उनकी जो कविताओं के जो संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ तो इसके लिए जो है प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी देखिए सरस्वती सम्मान जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका रहता है ये पुरस्कार, तो इनसे भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जो है किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। तो देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जो है हरियाणा जो कि 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला जो है राज्य है। और देखिए जो लिस्ट ये जारी किया गया था तो इसमें जो था छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे जो है सबसे कम बेरोजगारी दर जो है यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार जो है दर्ज किया गया हुआ है। तो आप लोग जो है इसे भी याद रखना, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है और सबसे कम छत्तीसगढ़ में है जो कि 0.6 की जो बेरोजगारी दर दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में। और अगर ओवरऑल देश की बात किया जाए तो देश में जो बेरोजगारी दर है आपका तो वह 6.7% है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसने 2022 ग्रेमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो देखिए हाल ही में जो है ग्रेमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया था तो इसमें देखिए जो जॉन बैटिस्ट है तो इनका जो एल्बम है VR तो इसको जो है एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इनको दिया गया हुआ है। तो इससे देखिए डिटेल में जो है इसमें बहुत सारे और भी चीज़ दिए जाते हैं आपके पुरस्कार दिए जाते हैं जैसे कि बेस्ट एल्बम, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस, इसके अलावा और भी जो होते हैं आपके, तो ये सारा चीज़ जो है आपको डिटेल PDF में आपको मिल जाएगा जो करंट अफेयर का PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है। तो देखिए हाल ही में जो है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो है आयोजन किया गया था न्यूजीलैंड में तो इसका देखिए जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ये जो है उनका 7वां खिताब है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और देखिए फाइनल में जो है इन्होंने इंग्लैंड को 71 रनों से हराया था।
नेक्स्ट देखिए कि क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हाल ही में जो है एक नए पुस्तक का विमोचन किया गया हुआ आपका, जो जो पुस्तक का नाम है आपका क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो इसके देखिए जो लेखक है तो वह है श्री राम चौलिया। और देखिए जो पुस्तक है तो इसमें जो है भारत के जो बाहरी विरोधियों द्वारा जो उत्पन्न जो सुरक्षा खतरों के दौरान लिए गए जो निर्णय है ये उस पर जोर देती है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये तो थे आपके अप्रैल 2022 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये जो लेक्चर आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है आपको हर महीने का करेंट अफेयर आपको मिलता ही रहेगा। और देखिए करेंट अफेयर का जो PDF है इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जो प्रीवियस हमने बनाए हुए आपके अपडेटेड करते हुए, और जितने भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स के जो हर मंथ का जिस तरीके से आपको प्रोवाइड हमने किया हुआ है तो उसका भी आपको अलग से प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उन सारे वीडियो को देख सकते हो, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।